नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। आप देख रहे हैं इंडिया खबर। अक्टूबर का महीना लगभग खत्म होने को है, पर अगर बात मौसम की करें तो देश में जुलाई जैसे हालात हैं। अगर बात सिर्फ बारिश की होती तो शायद इसे मौसम में बदलाव कह सकते थे, लेकिन उत्तराखंड और केरल में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो इतने भयावह हो गए हैं कि लोगों का वहां से निकल पाना ही मुश्किल हो गया है। इस बीच वहां घूमने गए लोगों के लिए भी हालत काफी खराब है, उनका भी वहां से निकल पाना काफी मुश्किल बताया जा रहा है। सबको यही समझाया जा रहा है कि जो जहां है वो वहीं रहे। उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम देहरादून जाएंगे। वहां पर गृह मंत्री उच्च अधिकारियों और राहत टीम में शामिल लोगों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी और एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद होंगे। कल अमित शाह बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी करेंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने से मंगलवार को 42 और लोगों की मौत हो गई और कई मकान ढह गए। कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही वर्षा जनित घटनाओं में अब तक मरने वालों की संख्या 47 हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार बारिश के दौरान भूस्खलन और ठंड से पिछले 48 घंटे के दौरान 46 लोगों की मौत हो गई है। बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही नैनीताल में मचाई है। नैनीताल का संपर्क देश दुनिया से कट गया है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन की पटरियां कोला नदी में बह गई हैं, जिस कारण ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया है। पहाड़ के कई मार्ग मलबा आने के कारण बंद हो गए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा को फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक रोका गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से फोन पर बात कर राज्य के हालात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहत कार्यों के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भी सक्रिय करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को हर आवश्यक सहयोग दिए जाने के प्रति आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है, शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। केरल में इन दिनों हो रही बारिश ने तबाही मचाई है, इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक केरल में 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बारिश से होने वाली मौतों की संख्या 41 है। वहीं दक्षिणी राज्य में आगे भी तूफानी मौसम होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। विभाग का कहना है कि बुधवार से केरल के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। बात करें अगर हमारे देश के वैज्ञानिकों की, तो उनके मुताबिक ये स्थिति जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही है। यही वजह है देर से मॉनसून आने और देर से जाने की, और ये कितना भयावह हो सकता है ये हम इस वक्त उत्तराखंड और केरल की हालात देख के समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।